सब लोग इधर भी आ सकते हैं। हरिओम। वासुदेव जी, ब्रह्मचर्य जी महाराज, इन सबको आप इकट्ठे करते हुए जो पुष्पों की बना हुआ गलीचा, इसके ऊपर भी बैठाइए, आगे आकर के इधर बैठाइए। खड़े कोई नहीं रहेंगे, बैठे बैठे ही सबको देखना है ना। हाँ मित्र, आप लोग भी इधर आ जाइए। जो कुर्सी दे सकते हैं वो अपनी कुर्सी उनको दे दीजिए, और जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठिए। बैठना अनिवार्य है, खड़े खड़े प्रवचन सुनना वृक्ष की योनि को प्राप्त होने जैसा है, इसलिए बैठ के ही सुनना मोक्ष को प्राप्त होने लायक है, तो खड़े खड़े नहीं सुनेंगे। नमामि गजाननम् वाणिभ्यामलिकुर्णरत्नदशकमरक्तोत्पलं जिघ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिग्विजयतस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमालिनेभ्यो नमस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्य नमः। परमहंसाय स्वाधितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवेशाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्रीराम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, सनातन धर्म की, यज्ञ नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, आज के आनंद की, गंगा माता की, जमुना मैया की, हरा हरा। आनंद कंद सचिदानंद परम घन परमात्मा, परम पिता परम प्रभु श्री राम के चरणारविंदों की प्राप्ति के लिए ये जीव को जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के अनंत अनंत जन्म के पुण्य पुंज जब उदय होता है तब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके सार्थक यही है कि जो धर्म चर्चा चल रही थी इसी को सुनना चाहिए, नहीं तो कान जो शास्त्रकार कहते हैं मनोरंजन करने के लिए गीत गाना जो सुनते हैं ये सब सांप के बिल के समान है। भगवान के भजन भगवान की कथा सुनना ही कान का श्रेयस्ता है। हाथ का वही है जो हाथ दान करे। कंकण पहनने से सोने की घड़ी पहनने से शोभा नहीं है, जो दान करने से शोभा है। मुख वही है जो अच्छे बाणी बोले, भगवान के कीर्तन करे। यहाँ पर लोग आते हैं लेकिन राम नाम लेने पर भी संकुचित करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, पुनि पाछे आवे नहीं देता मकार की बाट। कहते राम और रा और माँ दो अक्षर है, तुलसीदास जी की कल्पना है और वास्तव में यही है कि जब रा कहते हमारे मुंह खुल जाता है। रा कहते हमारी जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के अनंत अनंत जन्मों के पाप रूपी पहाड़ हमारे अंतःकरण से बाहर आ जाता है रा कहने से। और जब माँ उच्चारण करते हैं कहते मकार रूपी किवाट हमारे मुख बंद हो जाए। रा और माँ कहते हमारे जो पाप निकला हुआ है पुनः प्रवेश नहीं होता, इसलिए राम नाम के महिमा है। जोर से कभी कहीं जाए आर्त स्वर से बोलना चाहिए, जितने
जोर से बोल सकते, उसी प्रकार राम के नाम लेना चाहिए। हम दो तीन बार इसलिए लेते, कहते मंगलाचरण जब शुरू में होती है तो कथा अच्छा होता, सभी धर्म की जय हो अधर्म के नाश हो सभी कथा प्रवचन करने पर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए कि हमारी 24 घंटे में एक सुषुम्ना नाड़ी चलती है, वो सुषुम्ना नाड़ी के चलते हुए अगर हम किसी का जय कह देते जो कह देते वो शक्ति हो जाता, इसलिए बार बार ये जयकार मारने का भी प्रभाव है और राम नाम लेने का भी प्रभाव। दूसरी बात है, हाथ उठाते हम हर हर महादेव, ये क्या है? यहां पर आए जितने बार भी हर हर महादेव होता हाथ उठाते हैं। अगर कोई दुश्मन अगर अपना सिलेंडर करता है तो हाथ ऐसे उठा लेता, ऐसे वस्त्र शस्त्र रख करके उठा लेता, उठा लेता कि नहीं, शरणागति हो जाता। यहां पर भगवत की चर्चा चल रहा है, घर गृहस्थी में जाकर के नाना प्रकार के जंजाल है, बहुत सारे चिंता है, टेंशन है, उस बात को नीचे रख करके अस्त्र शस्त्र जैसे उसको छोड़ देना चाहिए। हर हर महादेव कहते हैं शरणागति, भगवत के जब तक चर्चा हो तब तक ये भगवान के कथा सुनेंगे, ऐसा प्रतिज्ञा करके हाथ उठाया जाता, इसलिए शरणागति होकर के रहना चाहिए, इधर उधर बात नहीं सुनना चाहिए। घर में अनेक बात होता है, यहां आकर के ध्यान से ही सुनना चाहिए। कहते हैं हमारे ब्रह्मचारी जी कह रहे थे माताओं को जो है धार्मिक होना चाहिए, ये धर्म संघ जो है वर्णाश्रम को बताने वाला और धार्मिक कथाओं को सुनाने वाला, जो शास्त्र में टीवी आदि माध्यम के बराबर में कुछ भी नहीं सुनने को मिलता। टीवी आदि में जो चर्चा होती है वो लोग नए नए कोई बात बताते हैं, जिसी प्रकार पहले नाम देते थे भगवानों के, भगवान भगवती के देवी देवताओं के नाम दिया जाता था, आजकल कोई नया कहते हैं तो वही लोग देते हैं, उसका निरर्थक होता है। उसी प्रकार हमारे सालग्राम आदि पूजा होती है, शंख घर में रहता है तो पुण्य लाभ होता है, ग्रंथ आदि रहते हैं तो पुण्य लाभ होता है, उसको कहते हैं घर से निकाल दो, सालग्राम निकाल के फेंक दो, शंख मत रखो। ऐसे ऐसे जो नया बात है ये नहीं सुनने लायक है, ऐसे टीवी के माध्यम से धर्म चर्चा सुन करके अपना कल्याण 7 जन्मों में नहीं होने वाला। इसी प्रकार धर्मशास्त्र के प्रवचन से अपने ऊपर उधारे तो वही कल्याणकार होता है। कहते हैं माताओं को सबसे ज्यादा धार्मिक इसलिए बनना चाहिए कि उनके नाम है कि अगर शादी विवाह हो जाता है, उनका पति बताता है किसी को परिचय कि हमारी धर्म पत्नी है, बगल में जो बैठी है ये हमारी धर्म पत्नी है। स्त्रियों को धर्म के मार्ग में ले जाने के लिए वो धर्म पत्नी है, धर्म की और प्रेरणा करके उसको धर्म मार्ग में चलाती है, इसलिए उसका नाम धर्म पत्नी है, वो संज्ञा दिया जाती। परंतु आज तक कोई ऐसा शब्द नहीं हो कि स्त्री जो अपनों बताएगा कि मेरे धर्म पति, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। इसलिए स्त्रियों को सबसे बड़ा धर्म आचरण करके धर्म पत्नी बनना चाहिए, और धर्म पत्नी का वही सार्थक है जो पति को धर्म के मार्ग में ले जाए, कुछ व्यसन कर रहा है तो उस मार्ग से छुटा करके धर्म की और प्रेरणा करके धर्म पालन कराए तो उसको धर्म पत्नी वही सार्थक है। इसलिए स्त्रियों को सदैव धर्म मार्ग में आगे अग्रसर होकर के रहना चाहिए। हमारे ब्रह्मचारी कह रहे थे ये बटुक जो 60 है अभी 100 हो जाएंगे, ये विचार करो। कहते हैं देवाधीनम जगत सर्वम, ये देवताओं के अधीन है जगत, सब देवताओं के अधीन चलता है, और मंत्राधीनम तो देवता, मंत्र के अधीन देवता क्या मंत्र के अधीन रहते हैं देवता। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम ब्राह्मण मम देवता। भगवान नारायण कहते हैं
एक संसार जो है देवता के अधीन में, और देवता किसके अधीन में, मंत्र के अधीन में, और मंत्र किसके अधीन में, ब्राह्मण के अधीन में। इसलिए ऐसे ब्राह्मण मेरे देवता है, भगवान स्वयं नारायण प्रणाम करते हैं ब्राह्मणों को। इनका नाम एक पर्यावाचक शब्द है, भूदेव है। ये भू मतलब जमीन है, यहाँ का जो देवता है ब्राह्मण ही होते हैं। अब यहाँ विचार है कि यहाँ ब्रह्मचारी जी के कल्याण स्वरूप जी के प्रयत्न से 60 ब्राह्मण बालक तैयार हो रहे, और ये सब ग्रंथ आदि अध्ययन करके वेद आदि प्रचार करेंगे, 60 गांव में भी बस जाएंगे, उन गांव का उद्धार हो जाएगा। इसी प्रकार अनेक अनेक विचार है, इनको पुष्टि करने के लिए ये गंगानगर नहीं आसपास के ग्रामवासियों का भी कर्तव्य है, ब्राह्मण को पालन करें, ब्राह्मण को हीन दृष्टि से मत देखें, वेद अध्ययन कराएं। कुछ आवश्यक होता है बार बार आकर पूछे, या कुछ आवश्यक नहीं, ब्राह्मण जहां वेद पढ़ता स्वयं अन्नपूर्णा के बैठती है, अन्नपूर्णा माता स्वयं साक्षात बैठ जाती है। इसलिए ब्राह्मणों कुछ आवश्यक नहीं होता है, परंतु सब लोगों का कर्तव्य है कि आकर के पूछना चाहिए। और इसी प्रकार ये ब्राह्मण आगे जा करके धर्म के प्रचार करेंगे, धर्म रक्षा होगा, यही धर्म के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। ये पहला वृक्ष है, अभी अंकुर आ रहे हैं, आगे जा करके बड़े होंगे, फिर फल फूल जब विद्या के, हम भी इसी धर्म संघ से पढ़े हुए, और ये मंच में जितने हैं इसी धर्म संघ से पढ़ करके यहाँ आए और आप लोग को बोल रहे, इसी में 60 विद्यार्थी में अगर कोई दो ही निकल जाएगा तो ये कल्याण स्वरूप जैसे, केशव स्वरूप के जैसे, वागी स्वरूप के जैसे, ये हमारे क्या कौशिक चैतन्य जैसे, ऐसे ब्रह्मचारियों के जैसे जाके अनेक गांव और शहर में कल्याण होगा। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करके सदैव वेदशाला और पाठशाला खोलने के प्रयत्न करना चाहिए। इतने आप ये सुन रहे ये सब कथा प्रवचन आदि, ये हमारी कल्याणकारी है। क्यों कल्याणकारी है, हम सुने चाहे नहीं सुने, यहाँ बैठने से अगर बारिश होगी तो कोई इच्छा होगा कि मैं भीगना नहीं चाहता, तभी वो भीगेगा, और कोई चाहेगा मैं भीगता हूँ तभी उतना ही भीगेगा। इसलिए प्रवचन होने से, वो सुने चाहे नहीं सुने, यहाँ उपस्थित होने से अवश्य में वो कल्याण होता है, ये शास्त्रकारों का प्रमाण है। इस पर एक दो ये सुनाता हूं। आध्यात्मी देखो कहते हैं कि कावते पत्थर चुन चुन महल बनाया, पत्थर चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रहने बसेरा। कहते हैं साधारण अर्थ इसका ऐसा है कि हम लोग बड़े पैसा इकट्ठा करके पत्थर और सीमेंट लाके घर बनाते, उस घर बनाने के बाद हम कहते हैं मेरा है, हमारी पुत्र भी कहता मेरा घर है, पति भी कहता मेरा घर, हमारे बाप भी कहता मेरा घर है। कहते घर किसी का नहीं है, ये हम लोग जो चिड़िया है ये रहने के स्थान है और अपना अपना उड़ जाते हैं, ये घर किसी का नहीं है। ये साधारण अर्थ, ये वेदांत अर्थ सुनो, वेदांत क्या होता है, वेद का जो अंत है वही वेदांत है, जो अपने जीवन को कल्याण कर देता है उसमें कोई कर्म में विनियोग नहीं है, उसको वेदांत कहते। कहते पत्थर चुन चुन माल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रहने में सर। कहते हमारी जन्म जन्मांतर युगांतर कल्प कल्पांतर के अनंत अनंत जन्मों के पुण्य रूपी पत्थर और पाप रूपी पत्थर भगवान ईश्वर ने लेकर के मनुष्य शरीर बनाया, ये घर है, ये मनुष्य शरीर बनाया। हमारी पुण्य रूपी पत्थर और पाप रूपी और पुण्य रूपी पत्थर से शरीर को बनाया, और ये शरीर हम अपना मान लेते हैं कि मेरा है, मेरा शरीर करके हम बड़े अच्छे से उसको कायदा से, ठंड नहीं लगे, गर्मी नहीं लगे,
गंदा नहीं हो, स्नान करते हैं, स्नो पाउडर लवेंडर क्या क्या लगाते हैं अपना समझ के लगाते हैं। इसी शरीर को हमारे पिता कहता मेरा बेटा है, मेरा ही मानता है, पत्नी कहते मेरा पति है, और पिता कहता मेरा पुत्र है, इसी प्रकार सब अपने अपने को मानते हैं। परंतु ये शरीर किसी का नहीं है, क्या है ये ईश्वर रूपी जो चिड़िया है, वो चिड़िया रहने के एक स्थान है, घोंसला, ये शरीर मेरा है ना तेरा है। इसलिए मनुष्य को सदैव शरीर में मोह नहीं करते हुए अध्यात्म यहीं से प्रारंभ होती है, अध्यात्म यहीं से चालू होता है। शरीर में मोह करने वाला कभी अध्यात्म को नहीं जा सकता, इसलिए शरीर पराय समझ करके, ईश्वर का समझ करके, ईश्वर रहने का चिड़िया के स्थान ऐसा समझ करके ये व्यवहार रखे, ज्ञान रहे तो यही चलता है ऐसे अध्यात्म। आप लोग इतने शास्त्र आदि चर्चा सुन रहे हैं, इसका अवश्य में वो कल्याणकारक। एक एक छोटी सी 2-5 मिनट में कथा सुनाता हूं। एक कहते हैं एक सप्त ऋषि जा रहे थे, सप्त ऋषि जंगल में जा रहे थे, एक भील आदमी जो जंगली आदमी मिल गया, बहुत दिन के बाद मिला तो उन्होंने पूछा भाई क्या करते हो तुम, उसने बताया अपना परिचय बताता है कि बने चरामा मैं वन में विचरण करता हूं। बोले और क्या करते हो, ना बनिता भराम मैं स्त्री और पुत्रों का पालन पोषण करता हूं, संस्कृत में बता रहा है। बोले और क्या करते हो, ना नदी स्तराम मैं नदी में तैरता हूं, जो जंगल पहाड़ होता है वहां नदियां ही होती है। बोले और क्या करते हो, बोले नभयम स्मराम। इसका ऐसा है साहित्य का एक श्लोक है, वने चराम वनिता भराम नदी स्तराम नभयं स्मराम इति रयन्तोपि वने किराता मुक्तिं गता राम पदाभिषंगा। कहते हैं ये चार बारों अपना परिचय बताते हुए भगवान के नाम लेता है, तो मरने पर उसका जो 17 तत्व के लिंग शरीर है वो भगवान के चरण में लीन आ जाता है और उसका सदगति हो जाता है, मुक्त हो जाता है। कहने की तात्पर्य चार बार भगवान के नाम अपना परिचय बताते हुए उसका सदगति हो गया, तो हम लोग इतना एकत्रित हुए, इतना वेद मंत्र पाठ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, शास्त्र आदि श्रवण कर रहे हैं, ये मन में दृढ़ विश्वास रख कि उस भील व्यक्ति का जो आचार विचार से हीन उसका गति हो गया तो हमारी क्यों नहीं होगा। इसलिए मेरा आशीर्वाद है और यहाँ आप लोग आकर के बार बार कथा प्रवचन आदि सुने, कल भी चलेगा इसी प्रकार, ये सुन करके अपने जीवन में दृढ़ निश्चय करके हमारी कल्याण अवश्य में वो होगा, इसमें कोई संशय नहीं रखो। इतना कह करके वाणी भगवान नारायण के चरण में स्मरण करते हैं, अर्पण करते हैं और दो बार भगवान के संकीर्तन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म की यज्ञ नारायण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की आज के आनंद की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु महाराज की काशी विश्वनाथ भगवान की गंगा माता की
गंगा माता की, यमुना मैया की, स्थान देवताओं की, ग्राम देवताओं की, हर हर। हरिओम। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। हमने धर्मोपाख्यान धर्मोपदेश दिया। माताओं थोड़ा सा, हाँ जी, व्यवस्थाओं को देखते हुए ही कार्य करना है। बैठे रहिए, बैठिए, उठना नहीं अपने स्थान से, सिर्फ चेहरा घुमाना है, पीछे की ओर मुड़ना है, आरती के आनंद के लिए पीछे आके बैठना है सबको। सबको यहां से आरती वालों से कम 10-15 फीट दूरी पे बैठना है। पीछे पर्याप्त जगह है, और पीछे आइए। अंदर जी, यहां से भी कम से कम 5-4 लोगों को आगे से उठाइए, और पीछे ले आइए, पीछे आइए, और लोग विद्यार्थी और पीछे पीछे आइए, बैठे बैठे पीछे होइए। कारण क्या है कि जब आरती का क्रम प्रारंभ होता है तो अग्नि लेकर के होती है, भव्य अग्नि जब प्रकट हो जाती है तो नीचे गिरती है, क्षति नहीं होनी चाहिए, इसलिए पीछे पीछे रहिए सब लोग, दाएं बाएं दोनों तरफ से पीछे रहेंगे। शांति बनाए रखिए, शांति से भी बहुत लाभ होता है। और बैठिए सभी लोग, शीघ्रता से बैठते जाइए। काशी से पधारे हुए गंगा आरती के अर्चक, आपके समक्ष श्री गंगानगर में ही उस गंगा की आरती को आपको भव्य दर्शन कराएंगे। भक्तिभाव से आप सब लोग श्रवण करेंगे, व्यवस्थापक जो भी है आरती के आसपास ही रहेंगे और उसको व्यवस्थित करते रहेंगे। बीच में कोई भी माता बहन भाई बंधु खड़े ना रहे, यथा योग्य स्थान लेकर के आप अपना बैठ जाइए। स्थान बहुत है, स्थान की कोई कमी नहीं है, और शीघ्रता से ही यह आरती का क्रम आपके सामने प्रस्तुत है। दोनों हाथ उठा के बार अच्युतं केशवं राम नारायणं।
Thank you.
Thank you.
धीर धीर से कब की
शरणागत या
दिव्यांबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय प्रेम भाव से दुर्गा से शिवदान को स्तोत्र की शोभा बढ़ाए। जटा कभी गलत जल प्रवाह I'm like
Thank you.
देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे तो कहाँ
तले तर जात तरणी हरे Thank you.
देव। सभी लोग चेहरे को घुमा लेंगे, पूर्ववत स्थिति को प्राप्त होंगे। उथल पुथल नहीं करना है, ये उथल पुथल उताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, वत बार बढ़ाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी ऐसा।